सियासी दिग्गजों के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब से महज चंद घंटे बचे हैं। जब कल सुबह आपकी नींद खुलेगी तब तक कई सियासतदानों की नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि इस चुनाव में कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो कईयों के सियासी भविष्य का फैसला होना है। अगर बात यूपी में सियासी दिग्गजों के बीच चुनावी फाइट की करें तो कन्नौज में अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है, जिसके परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। रायबरेली में राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप के बीच मुकाबला है। कल पूरे देश की नजर इस लोकसभा सीट पर भी रहने वाली है। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस से केएल शर्मा चुनावी मैदान में हैं। यहां की लड़ाई भी बेहद रोचक होने वाली है। आजमगढ़ की बात कर ले तो यहां दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। वही बात मैनपुरी की करें तो डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए जयवीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। यहां दोनों के लिए मुकाबला अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कुछ और चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उनके लिए यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वाकई आज की रात भारी है सबके लिए, सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, और हो भी क्यों ना, दांव पर सियासी भविष्य जो है। एक तरफ एनडीए के नेता आज रात इस इंतजार में होंगे कि एग्जिट पोल सही साबित हो जाए, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए आज की रात और ज्यादा भारी होगी। मानो आज रात सबकी नींद रफू चक्कर हो जाएगी। राहुल को नींद कैसे आएगी, रायबरेली दांव पर है। रायबरेली में क्या होगा, हार होगी या जीत होगी, कहीं अमेठी वाला हाल ही रायबरेली का ना हो जाए, यही सवाल रह रहकर आज राहुल के मन में आता रहेगा। हो सकता है कि यही सवाल आज की रात प्रियंका को भी परेशान करे। अमेठी रायबरेली में प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन क्या जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े जो तस्वीर बयां कर रहे हैं उनके मुताबिक तो तस्वीर कांग्रेस के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही। यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। इसी तरह यादव परिवार का भविष्य भी दांव पर है। 5 सीट पर अखिलेश का परिवार चुनाव लड़ा, कन्नौज का क्या होगा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद में कहीं हार तो नहीं मिलेगी। आजमगढ़ की सियासी रस्साकशी आज की रात धर्मेंद्र यादव को सोने नहीं देगी। क्या एक बार फिर आजमगढ़ हाथ से निकल जाएगा, ये सवाल मानो धर्मेंद्र यादव के मन में आता रहेगा। डिंपल यादव को भी आज ये सवाल सताता रहेगा कि मैनपुरी में परिवार की विरासत बचेगी या नहीं। लेकिन सवाल जनता का जो पोल है, एग्जैक्ट पोल, वो कल इस समय तक होगा परिणाम पूरे देश के सामने, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। कल 400 पार वाले 200 के नीचे जा रहे हैं। बहुत बड़े अंतर से 295 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, सरकार बनाने जा रहा है। और मेरा भी यही मानना है कि जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर मैं ये मान सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। उसी तरह आदित्य यादव के लिए भी आज की रात सवालों भरी रह सकती है। बदायूं में क्या होगा, बदायूं का परिणाम किस करवट बैठेगा, मायावती के लिए भी आज की रात बेचैनी भरी रह सकती है। यूपी में कितनी सीटें मिलेंगी, कहीं पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक ने साथ तो नहीं छोड़ दिया, ये सवाल हो सकता है बहन जी के मन में आते रहें। 2019 में बीएसपी के 10 सांसदों को जीत मिली थी, 2024 के एग्जिट पोल में बीएसपी को एक भी सीट नहीं। मायावती को अब चुनाव परिणाम का इंतजार है। कुछ ऐसा ही हाल ओपी राजभर का भी है। घोसी सीट पर भले उनके बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो ओपी राजभर का माना जा रहा है। यानी आज की रात पिता और पुत्र दोनों के लिए मुश्किल भरी होगी। घोसी की हार जीत सियासी भविष्य तय करेगी। आज कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है ना कहीं लड़ाई है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग, आप देखिएगा ना, आप आजकल में बैठक करेंगे विदेश जाने के लिए, यहाँ उनको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो सब मान गए हैं कि अब तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से, जो सूबे में योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, उस उन दोनों लोगों के काम से जनता मोदी जी को वोट दे रही।
मेरठ से सियासी जंग लड़ने वाले रामायण के राम यानी अरुण गोविल के लिए भी आज की रात बोझिल हो सकती है। जिस तरह भगवान राम ने कई रातें जागकर बिताई, हो सकता है पर्दे के राम को भी आज नींद ना आए और कल का परिणाम उन्हें सोने ना दे। यानी यही रात अंतिम है और यही रात भारी है, क्योंकि बस एक रात की अब कहानी है सारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मतगणना शुरू होने में कुछ घंटे ही रह गए हैं और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है और दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से ही सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच काउंटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कुछ मांगे भी की। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए, तो बीजेपी ने मांग की है कि काउंटिंग से जुड़े हर शख्स को सुरक्षा मिले। विपक्ष का कहना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम खुले, तो बीजेपी का कहना है कि मतगणना के दौरान किसी तरह की हिंसा न होने पाए। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से कहा वीवीपैट में पर्चियों का मिलान हो, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मतगणना में राज्य सरकारों का दखल रोका जाए। और सबसे जरूरी ये कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो, तो बीजेपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। लेकिन इन मांगों के बीच जो ईवीएम पर लड़ाई शुरू हुई है, अब उस पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एनडीए सरकार 400 पार, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। एग्जिट पोल के संभावित नतीजे। एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर नंबर, इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ा चुका है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू सर। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी ने पहले दावा किया इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही है, लेकिन वो दावा अब ईवीएम पर शिफ्ट हो चुका है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। अरे राम, कहाँ क्या बेचारी ईवीएम क्या की है, और रोती है पता है रात को अकेले, बड़ी दुखी है कि लोग जीतता है कांग्रेस तब ठीक हूँ मैं, और मैं जब भाजपा जरे जीतती है तो मैं बदनाम हो जाती हूँ। अभी असली नतीजे आना बाकी है, लेकिन जो संभावनाएं बनी हैं उनकी वजह से गठबंधन में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा। सर्वे करने वाली ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत के आसार जताए हैं, यानी एग्जिट पोल लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन की सीटें ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा, और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बांटते हुए इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा और एफआईआर हुई, और उसके बाद इन्होंने झूठी शिकायत करके भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। एग्जिट पोल की तस्वीर में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है, और यही वजह है कि बीजेपी का एक एक नेता विपक्षी गठबंधन को घेरने में जुट गया है। साथ ही परिणाम से पहले ईवीएम पर मचे घमासान की आलोचना हो रही है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको
बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने निर्णय किया, तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। विपक्ष का ईवीएम राग पहली बार नहीं बल्कि तमाम चुनाव में जब बीजेपी की जीत होती है तो ठीकरा ईवीएम पर फूटता है। ऐसे में एक बार फिर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी से पहले फाइनल परिणाम का इंतजार तो जरूर ही कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ईवीएम पर छिड़े घमासान के बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव पर क्या कहा था। तो आपको बता दें कि 26 अप्रैल को ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान समेत कई मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा था कि देश में चुनावी मतदान ईवीएम से ही जारी रहेगा। साथ ही उस फैसले में यह भी कहा गया था कि वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि काउंटिंग के बाद ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएंगे और नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत करने पर ही जांच संभव है और ऐसे में वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवार को ही उठाना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम विश्वास से ही लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। तो ईवीएम पर मचे घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम आड़े तिरछे सवालों पर दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 7 चरण के चुनाव के दौरान अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में देरी पर सवाल उठा रहे हैं। ये फेक नैरेटिव चल रहा है, कभी वोटर लिस्ट तो कभी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। हम मानते हैं कि हमें इसे समझने में हम फेल रहे हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में लापता हम नहीं थे, क्योंकि कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे, कई मीम्स बन रहे थे कि चुनाव आयोग कहाँ है। उसी सवाल का जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया। काउंटिंग प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता, आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरव्वत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर करते। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां हर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर ली है। खबर तो ये भी है कि कल नतीजों के बाद अगर बीजेपी की जीत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक भव्य रोड शो कर सकते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां सभी दलों की तरफ से रिजल्ट से पहले की जा रही है। बस कुछ पल का इंतजार, जब सबसे बड़े लोकतंत्र का जनाधार देश के सामने होगा। 76 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद देश को मिलने जा रहा है देश का प्रधान, जिसके कंधे पर 140 करोड़ जनता की बागडोर होगी और इसी कमान के लिए सियासी घमासान मचा है। यूपी के कोने कोने में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन हो रहा है और पीएम मोदी के लिए जीत की प्रार्थना की जा रही है। मतगणना से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।
इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि चुनावी नतीजों के बाद की बड़ी तैयारी हो रही है। जीत हुई तो मोदी भव्य रोड शो करेंगे। पीएम आवास से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो होगा। लाखों लोग इस रोड शो में आ सकते हैं। पीएम मोदी का अभिनंदन हो सकता है। बीजेपी का दावा है कि चुनावी परिणाम उनके पक्ष में आने वाला है और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे, तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी। क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। कानून का राज है। सपा बसपा कांग्रेस के शासन में गुंडागर्दी होती है, भ्रष्टाचार होती है, तो आज राज्य के अंदर अपने को लोग महसूस नहीं करते थे। तो एक तरह का कानून का राज है, तो जिसके कारण जनता जनार्दन ने उसको स्वीकार किया कि आज मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। दूसरा है कि 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, असुरक्षित लोग महसूस करते थे, श्रीनगर चौक से लेकर संसद भवन, ताज होटल, संकट मोचन, हनुमान मंदिर, काशी में, कोर्ट में, कचहरी, हर जगह बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कोई बम नहीं फटता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नतीजों के बाद बीजेपी की जीत हुई तो नई सरकार का शपथ ग्रहण नई जगह हो सकता है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम, यशो भूमि और कर्तव्य पथ जैसी जगहों को लेकर बीजेपी के नेता फीडबैक ले रहे हैं और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बड़े जश्न की तैयारी के लिए इन लोकेशन को देखा गया है। हालांकि फाइनल लोकेशन पर अभी मुहर लगनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।